हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नियमित कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर रांची विका कर्मचारियों की बैठक सोमवार को भगवान महावीर उद्यान में आयोजित हुई। इस बैठक में दर्जनों की संख्या में रांची विका कर्मचारी शामिल हुए, नियमित कर्मचारी बनाने की मांग को बुलंद किया। बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि रांची विका परियोजना की भांति क्लस्टर लेवल फेडरेशन में भी कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है और उन्हें नियमित कर्मचारी माना जाता है, लेकिन रांची विका परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता है और उन्हें अल्प मान्यता दिया जाता है, जो कि सरकार की मंशा के खिलाफ है। रांची विका कर्मचारियों ने सरकार से उन्हें राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग टू सिविल पोस्ट के अधीन लेकर नियमित करने की मांग की है। गौरतलब है कि जिले में रांची विका परियोजना के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। रांची विका परियोजना में 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण की योग्यता तय की गई है। वहीं इसमें कार्यरत 12वीं उत्तीर्ण कर्मचारी को प्रति माह 11,700 एवं स्नातक उत्तीर्ण को 12,700 रुपए का मानदेय दिया जाता है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।